सिंगरौली में मजदूर और गरीब वर्ग को खाने का संकट ना हो, इसके लिए व्यापारी वर्ग ने खाना बैंक की शुरुआत की है। खाना बैंक के माध्यम से जरूरतमंद और मजदूर वर्ग को खाना उपलब्ध कराया जाएगा। सिंगरौली में लॉकडाउन की वजह से हजारों मजदूरों को खाने का संकट पैदा हो गया है। सिंगरौली के मोरवा में बड़ी संख्या में दूर गाँव से लोग यहाँ मजदूरी करने आते हैं। अब काम ना होने की वजह से इनको खाने का संकट आ गया है। ऐसे में व्यापारी और युवा वर्ग सामने आ रहा है। व्यापारी वर्ग ने मिलकर खाना बैंक बनाया है, जहां गरीबों और मजदूरों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। मोरबा के अग्रसेन धर्मशाला में रोजाना 500 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ये हम लोगों ने 25 तारीख के से प्रारंभ किया है, जिस दिन लॉकडाउन के लिए था कि 25 तारीख से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे गरीब प्रवासी मजदूर को ध्यान में रखते हुए और साथ में कि बाहरी लोग काफ़ी लोग जो खाने के वजह से परेशान हैं, हम लोगों ने पहले अन्न का वितरण प्रारंभ किया और अन्न का वितरण हमारा लगातार 9 तारीख तक चला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा अन्न के वितरण में काफ़ी मतलब लोगों का भंडारण का एक व्यवस्था शुरू हो गई थी, तो लोग भंडारण करना शुरू कर दिए थे और किसी को भी ये नहीं था कि भाई अन्न अगर ये मिल गया है तो मैं अपने कार्य को आगे दूसरे और किसी को मिलने दूँ। तो इस मकसद से हमने फिर इसको खाना बैंक के थ्रू खाना बनाना शुरू कर दिया, पका खाना देना शुरू कर दिया। इसको बनाने के पीछे मुख्य सोच यही था कि जरूरतमंद व्यक्तियों तक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। और हम लोग अग्रसेन धर्मशाला में खाना तैयार कराते हैं और 4 निजी वाहनों से, जिसका नाम हम लोगों ने सिंगरौली खाना बैंक दिया है, विभिन्न मोरवा क्षेत्र के जिस तरफ गरीब जनता मजदूर या जरूरतमंद व्यक्ति हैं उन तक हम लोग वाहनों से भोजन पहुंचाते हैं, जिससे उनको उसका लाभ मिल सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।